दोस्तों आज के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है आज बेसिकली हम बात करेंगे करवक पाठ के सारांश के बारे में जैसे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में अगर आपके एग्जाम में सवाल आती है कुछ इस प्रकार के अगर आपके एग्जाम में सवाल रहती है ना जैसे कि करवक पाठ का सारांश लिखे या मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करवक पाठ का सारांश लिखे या फिर ऐसे सवाल रह सकती है कर्वक पाठ क्या केंद्रीय भाव बताए या फिर सवाल रह सकती है कर्वक कविता का भावार्थ लिखे कुछ इस प्रकार से अगर आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल देखने को मिलती है तो आज की क्लास आपके लिए है और आज बेसिकली इन चारों सवाल का जवाब के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे बेसिकली आपको समरी कैसे लिखना है सारांश कैसे लिखना है कर्मक पाठ का वो आपको बहुत अच्छे से बतलाएंगे, बहुत अच्छे से न, सिखलाएंगे और आप अगर इस तरीके से सारांश को लिखते हैं ना तो आप यकीन मानो आपके एग्ज़ाम में पूरा में पूरा मार्क्स मिलने वाला है कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा और बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही अपना लैंग्वेज में लिखा गया है तो कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है तो मैक्सोअर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही क्लासेस आपको यहाँ पे रेगुलरली मिलते चलेगी ठीक है तो सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पे करवक पाठ के सारांश को देखना स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं कि भाई लेखक जो है अपने यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी जी इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना चाहिए कि ये ये इनका जन्म कब हुआ ये इनका निधन कब हुआ या फिर इनका जन्म कहाँ पे हुआ ये निवास स्थान इनका कहाँ था ये हम लोग को थोड़ा सा इनके बारे में जान लेना चाहिए है ना तो देखो सबसे पहले जो है अपने पास कर्वक पाठ है ठीक है पाठ है और यहाँ पे इसके लेखक कौन आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी ठीक है शॉर्ट में इनको जायसी जी भी पुकारा जाता है जायसी के नाम से इनकी यहाँ पे यह तस्वीर है यही है जायसी जी और इनका जन्म होता है चौदह में अनुमानित तिथि है क्योंकि बताओ चौदह में अभी हम लोग कब चल रहे हैं दो में चल रहे हैं है ना 2023 हजार तेईस इस सब में हम लोग आ चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे आ, अब आए हैं और उस समय सोचो उस समय से डेट कैसे पता रहेगा है ना तो अनुमानित एक डेट है चौदह और निधन जो है 1548 में हुआ है अनुमानित तिथि है ठीक है तो ये दो डेट आप याद रखेंगे और इनका निवास स्थान ये कहाँ के निवासी थे तो इनका निवास स्थान था जायस नाम के गाँव था ठीक है अमेठी में उत्तर प्रदेश में ठीक है उत्तर प्रदेश के अमेठी के जायस नाम के ग्राम में ये बेसिकली रहते थे ठीक है तो इनके बारे में ये शॉर्ट में हो गया आप चाहेंगे तो इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख सकते हैं अब चलो हम लोग का यहां है ना कुछ ये चार सवाल है है आपके एग्जाम में पूछेगा सारांश लिखने को या फिर इस तरीके से बोलेगा या फिर बोलेगा केंद्रीय भाव लिखने को या फिर बोलेगा पूरे कविता का भावार्थ लिखने तो आपको एक ही जवाब लिखना है और वो कैसे लिखना है वो चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है तो अब आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए अच्छे से देखना है ठीक है चलो तो यहां पे लिखना कुछ इस प्रकार से है अपने लोग को ऐसे स्टार्ट करना है ठीक है करवक पाठ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की है यानी करवक पाठ को मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखा गया है एक आंख का होने पर भी उसमें काव्य गुण है मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी का एक आंख नहीं है मतलब एक आंख से वो अंधे हैं ठीक है ठीके? उनके पास एक ही आंख है फिर भी उनमें काव्य का बहुत अच्छा गुण है ये लिखे जिसने भी उनकी काव्य सुना वह मोहित हो गया ठीक है जिसने भी उनका काव्य सुना वो मोहित हो गया कभी कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कभी में भी कमी है फिर भी कभी चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं आ, कभी अपने आप को कहते हैं कि बेसिकली जैसे चंद्रमा को जैसे चंद्रमा को आ, मतलब धरती चंद्रमा को लाया प्रकाश देने के लिए है ना और फिर भी उसमें कलंकित है उस वो चंद्रमा कलंकित है चंद्रमा में दाग है है ना और वो फिर भी प्रकाश देता है उसी प्रकार से कभी कभी में भी दोष है लेकिन फिर भी वो जो है अपनी जो भी उनकी जो है ना कृति है उनकी काव्य है और उससे वो पूरे अच्छे से प्रकाश फैलाते हैं पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं है ना कभी कहते हैं कि जब तक आम ने Uh, आम में नुकीली डाव यानी मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है आप देखते हैं ना कि जब तक आम में मंजरी नहीं आती है जैसे वो जो आम में मंजर नहीं आती है या बोलो तो मंजरी ठीक है तो उसी को कहते हैं हम लोग डाव जब तक आम में डाम के पेड़ में डाव नहीं आता तब तक वहाँ पे आम नहीं होता है सुगंध नहीं आता है तो उसी प्रकार से यहाँ पे, पे कभी बोले हैं और भी सारे चीज़ों के बारे में बात किए हैं वो क्या है चलो देखते हैं और आगे कैसे लिखना है और आगे इस प्रकार से लिखना है कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले और उनकी इसी गुण के वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़ कर कुछ पानी की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ देखा करते थे है ना? मतलब कभी जो है वो एक नैन के थे ठीक है मात्र एक ही आंख था उनका फिर भी उनका जो है ना मन एकदम दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले थे वो व्यक्ति है ना और इसी गुण के कारण इसी वजह के कारण जितने भी अमीर बड़े बड़े रूपवान लोग जो है ना वो उनके चरण के पास बैठ के चरण पकड़ कर उनके मुख की तरफ देखते थे कि आ, जो कुछ उनको मिल जाएगा है ना आ, मतलब कुछ पाने की इच्छा से उनके तरफ देखते थे कि उनका कुछ गुण मतलब उनके जो उनके अंदर जो काव्य का जो गुण था ना वो गुण उनको मिल जाए ठीक है ये हुआ उसके बाद आगे लिखना है मोहम्मद कवि ने आ, यह काव्य रचकर जिसे सुनाया उसे प्रेम के पीरा का अनुभव हुआ उसे प्रेम का दर्द का अनुभव हुआ प्रेम के पीरा का अनुभव हुआ जिसने भी इनकी ये काव्य सुना ठीक है तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी बोलते हैं और यही हम लोग सारांश में पूरा लिखते हुए आ रहे हैं आगे फिर लिखना है इस प्रकार से कि इसे प्रेम कथा इस प्रेम कथा को कभी ने रक्त की लेई लगा कर जोड़ा है मतलब खून की रस को खून खून से वहाँ पे इस पूरे इस कथा को लिखे हैं इस कहानी को लिखे हैं इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिंगोया है और मन में यह सम, समझ कर कि ऐसे कविता रचा ऐसे कविता रचा है कि शायद जगत में यही निशानी बची रह जाए ठीक है वो इस तरीके से अपने आंसुओं को भिंगा कर यहाँ पे लिखे हैं और ये सोच के लिखे हैं ये समझ के लिखे हैं कि शायद यही उनकी आखिरी निशानी इस संसार में रह जाएगी कभी कहते हैं कि कहाँ है कहाँ है, है वो रत्नसेन जो ऐसा राजा था कहाँ है वो सुवा जो ऐसे बुद्धिमान था कहाँ है वो अलाउद्दीन सुल्तान और कहाँ है वो सुंदरी पद्मावती, है ना तो यहां पे कभी कहते हैं कहाँ है वो रत्न सेन जैसा राजा कहाँ है वो सुवा जैसे बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ है वो जो अलाउद्दीन सुल्तान ठीक है अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कहाँ है या फिर कहाँ है वो रूपवती पद्मावती सब कोई नहीं है है ना कोई नहीं है अब आगे वही चीज बोलते हैं कि अब अब जो है यहां अब कोई नहीं है बल्कि यश के रूप में कहानी रह गई है बस उसके बारे में जो कहानियां है ना मात्र वही रह गई है अब वो लोग नहीं रहे बस उनकी कृतियां उनकी कहानियां ही रह गई फूल झरकर नष्ट हो जाते हैं पर उसकी खुशबू रह जाती है, है ना फूल जो है झरकर नष्ट हो जाती है फूल मुरझा जाती है फूल खत्म हो जाती है लेकिन उसकी खुशबू रह जाती है कभी ये कहना चाहते हैं कि एक दिन वह भी नहीं रहेंगे कभी कहते हैं कि एक दिन वह भी नहीं रहेंगे ऑब्वियसली पर उनकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी जब कभी नहीं रहेंगे तो उनकी जो कृति है ना एक कृति जो उनका रहेगा वो पीछे रह जाएगा उनके बाद भी वो उनकी कृति उनका ये जो रचना है उनका ये जो काव्य है वो रह जाएगा कभी कहते हैं कि संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है, है ना इस कभी यही चीज़ कहते हैं कि जो यश होता है ना जो लोग का अंदर जो कर्म रहता है जो यश रहता है वो आज तक ना कोई किसी को बेच पाया है ना ही कोई किसी से खरीद पाया है कभी कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद करेगा कभी कहते हैं कि जो इस कहानी को पढ़ेगा तो वो जो है ना वो बेसिकली हमें दो शब्दों में याद करेगा सच बताए तो ये ऐसा यहाँ पे ये कविता है बेसिकली जो लिखे हैं आ, कभी इसको कहानी के रूप में बोलते हैं तो बेसिकली आ, जो है ना ये जो कविता बहुत बहुत बढ़िया है आ, कहो ना कहो तो मतलब हम लोग को एक तो थोड़ा सा गहरा असर अपने मन पे तो छोड़ता ही है हम लोग दो शब्दों में कभी को ज़रूर से याद करेंगे जैसे वो बोले हैं है ना कभी खुद ये चीज़ बोले हैं है ना और हम लोग सारांश में कुछ उसी प्रकार से हम लोग लिखे हैं तो आपको सारांश कुछ इस प्रकार से लिखना चाहिए ठीक है तो चलो अब हम यहां पे कुछ अपने शब्दों में आपको सुनाने की कोशिश करते हैं और आपको अपने शब्दों में हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे याद करना है है ना देखो बच्चों यहां पे आप लोग समझ तो गए हैं कि सारांश आपको कैसे लिखना है लेकिन अब आपको अपने तरीके से हम आपको समझा रहे हैं देखो सबसे पहले ये है कि अपने पास मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है एक आंख से वो अंधे हैं उनके पास एक ही आंख है लेकिन वो कहते हैं कि एक आंख के होते हुए भी उनमें काव्य गुण है और वही काव्य गुण जो है जो उनका काव्य सुना वो बहुत ही मोहित हो जाता है और एक आंख के होते हुए उनमें जो काव्य गुण है और उसी गुण के चलते वो मतलब उनमें जो एक आंख से होते हुए भी ना वो उनके उनके अंदर बहुत ही निर्मल भाव है उनका जो है ना मन पूरा स्वच्छ है और यही गुण के कारण बहुत बहुत रूपवान लोग भी उनके तरफ देखते हैं कुछ इच्छा कुछ पाने के इच्छा से देखते हैं कि कुछ मिल जाए इनसे जो इनके अंदर काव्य का गुण है कुछ हमें मिल जाए तो बड़े बड़े रूपवान लोग उनके मुख की तरफ देखते रहते हैं ठीक है ये बताते हैं उसके बाद बोलते हैं जिस तरीके से चंद्रमा जो है चंद्रमा में दाग है चंद्रमा में जो है आ, कुछ दोष है उसी प्रकार से कवि में भी ये दोष है लेकिन फिर भी ये चंद्रमा की तरह अपने काव्य से इस संसार को प्रकाशित कर रहे हैं कभी आ, कहते हैं अपने आप को कहते हैं अपने आ, वो लिखते हैं रचना में ठीक है तो वही चीज हम लोग सारांश में भी लिखना है और फिर आगे हम लोग को इसी तरीके से लिखना है कभी जो है ना मतलब जो यहाँ पे लिखते हैं ठीक है Uh, कभी जो है कहते हैं कि अगर जो भी इस हमारे इस रचना को सुने uh, सुनेगा उसको उस जो भी सुना ना बेसिकली उनको प्रेम के पीरा का एहसास हुआ साथ ही साथ कभी कहते हैं कि इसको वो ना रक्त की से रक्त से बेसिकली ये वो लिखे हैं और इस गाड़ी मतलब आंसुओं से मतलब वो जो है इसे भिंगोया है और यह समझ कर लिखा है कि कभी जो है ना एक दिन नहीं रहेंगे लेकिन ये कविता रहेंगे इसी प्रकार से कभी कहते हैं कहाँ है वो रत्नसेन जैसा राजा कहाँ है वो जो कहाँ है वो सुवा जैसे बुद्धिमान व्यक्ति उपराजा है ना कहाँ है कहाँ है वो अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ है वो रूपवती पदमावती अब कोई नहीं है अब कोई नहीं है लेकिन उसका जो है ना उसका जो कृति है उसकी जो यश है वो यहाँ पे है कभी कहते हैं कि फूल मुरझा जा जाता है फूल खत्म हो जाता है फूल झड़ जाता है लेकिन उसको खुशबू रह जाती है इसी प्रकार कवि जो है यही चाहते हैं कि जब वो खत्म हो जाएंगे जब वो नहीं रहेंगे इस संसार में तब उनका यश जो है उनकी जो ये कृति है उनकी ये जो रचना है उनकी ये जो काव्य है ये रहेगी और यही कृति यही यश जो है आ, पीछे रह जाएगी उनके ठीक है तो कभी ये भी साथ ही साथ कहते हैं कि यश यश एक ऐसा चीज़ है जो आज तक ना कोई व्यक्ति किसी के साथ बेच पाया है ना ही किसी से खरीद पाया है ठीक है वो भी हम लोग लिख दिए साथ ही साथ अंत में कभी कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह दो शब्दों में हमें याद करेगा ठीक है बहुत प्यारा सा बात बोले हैं कि जीवन में कुछ हमको अगर ऐसा चीज़ हमको करके जाना चाहिए कि आगे हम जब नहीं रहें ना तब भी इस संसार में हमारी कुछ यादें रहें कुछ ऐसा करके जाए कि लोग हमें याद करें है ना बहुत ही गहरा बात कभी बोल रहे हैं ठीक है तो आप भी सोचना कि आप आगे ठीक है कभी ना कभी इस संसार में हम लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं ऐसा कौन सा यश करके जा रहे हैं कि लोग हमें याद करेंगे ठीक है तो बहुत ही अच्छा सा ये ऐसा ये कविता है कभी सच बोले हैं कि हमें दो शब्दों में याद करेगा आ, लोग और सच में हम लोग दो शब्दों में याद कर रहे हैं और कैसा लगा आपको ये पूरी जो है कविता ये पूरा आपको सारांश कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा पसंद आया तो इसको आप जरूर से लाइक करिए साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सारे लोग इसके सारांश को आसान शब्दों में आसान भाषा में समझ सके और इस प्रकार से जब आप अपने बोर्ड परीक्षा में सवाल को लिखेंगे ना सवाल के जवाब को अगर इन सारे सवालों में से कोई भी सवाल रहती है अगर आप उसके जवाब को लिखेंगे तो आपको पूरा में पूरा मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता है ठीक है अपने आप को कोई नहीं रोकेगा कोई टीचर नहीं है ना तो इस तरीके से आप जवाब को लिखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखना है ऐसे ही क्लासेस अभी और सारे आने वाले हैं ढेरों सारे क्लासेस आपको मिलने वाली है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए बाकी हम लोग लगातार यहाँ पे मिलते रहेंगे धन्यवाद